नई एंटीबॉडीज बनती हैं, हृदय रोग से उनकी रक्षा होती है और उनको एक स्वाभिमान का संचय चाहिए। अब तक तो लोग यही सोचते थे कि ब्लड डोनेशन किया जाए तो बहुत मजबूरी में किया जाए या जान बचाने के लिए किया जाए, लेकिन खुद स्वस्थ रहना है, खुद का शरीर दोबारा चीजें रिफॉर्म करता रहे। ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, ट्रोमा में, सर्जरी में, वहाँ जाके जरूर देखें कि एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कोई देखता है तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा। हाँ जी सर, सर प्लीज सर। विश्व दिवस ब्लड डोनेशन डे के ऊपर जो कार्यक्रम और रैली का आयोजन हुआ उसमें आर ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में यहाँ स्वास्थ्य विभाग की रैली का आयोजन किया गया। सुबह KGMU में भी एक रैली का आयोजन किया गया और बाकी दिन भी काफ़ी कार्यक्रम किए जाएंगे और उद्देश्य ये है कि सभी जितने भी हमारे घरों तक ये संदेश पहुँचे कि हम लोग ब्लड डोनेट करें और लोगों के काम आएँ। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली नहीं बनाई जा सकती है और जो आदमी डोनेट करता है तभी दूसरे आदमी को चढ़ पाता है। पीक सीजन में गर्मियों में डिमांड ज़्यादा रहती है और इस समय बिल्कुल वही पीक सीजन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और उसके फ़ायदे भी समझें। ब्लड डोनेट करने के शरीर को भी बहुत फ़ायदे होते हैं। हर 6 महीने में हर स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसी जागरूकता के लिए आज ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और खुशी की बात यह कि लखनऊ में काफ़ी मात्रा में लोग ब्लड डोनेट करते हैं और किसी भी तरह जो मरीज हैं उनको कमी नहीं आने देते, लेकिन ये जो कड़ी है आगे बनी रहे और ये व्यवस्था आगे कायम रहे इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम किए जाएँ और उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।